आप सभी को जय गुरुदेव एवं जय श्री माता रानी। जैसे कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि इस समय आप लोगों की डिमांड के ही अनुसार जो है ग्रुप चल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें संपूर्ण सौंदर्य जो साधना कॉम्बो ग्रुप है, आज मैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी डीप जानकारी देना चाहता हूँ, तो आप लोग सुने। इसकी बहुत ही गुप्त 9 साधनाएं आप सभी लोगों को संपन्न कराई जाएंगी। इसकी हर एक साधना के बारे में आपको कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी जानकारी देता हूँ। आप सभी लोग संभवतः उच्चिष्ट गणपति का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, जो गणपति जी का एक तांत्रिक स्वरूप होता है। और गणपति शास्त्रों में ध्यान के लिए दिए गए जो 32 रूपों की श्रृंखला है, उसमें से ये 8वीं श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। उनके कुछ रूपों में विशेष रूप से तांत्रिक रूप जो होते हैं, जो कभी कभी राजसिक या तामसिक कल्पना का उपयोग करते हैं। गणेश के पास कभी कभी पत्नी के रूप में एक छोटी शक्ति ऊर्जा देवी होती है। ऐसी 50 से अधिक शक्तियाँ हैं जो विभिन्न शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, और गणेश जी उनके साथ अपना अनूठा संबंध दिखाने के लिए प्रत्येक के एक सूक्ष्म अद्वितीय रूप को भी धारण करते हैं। इन शक्तियों को कभी कभी दासी या लक्ष्मी की सेवक कहा जाता है, और कभी कभी उनकी छोटी अभिव्यक्तियाँ भी। उच्चिष्ट गणपति या फिर भोजन का बचा हुआ खाना खाने वाले गणपति अपनी बाई जंगा पर शक्ति के साथ विराजमान होते हैं, और उनकी सूंड उनकी जांघों के बीच सबसे अधिक आकर्षक रूप से स्थित होती है। तो ये हमारे उच्चिष्ट जो गणपति जी हैं उनके एक स्वरूप का छोटा सा वर्णन है। उनकी निचली बाई भुजा शक्ति को गले लगाती है, उनके मध्य बाएं हाथ में वीणा होती है। तो ये श्री उच्चिष्ट गणपति की साधना जो है, उनका ये विधान के अंतर्गत उनका जो स्वरूप है, ये उनके स्वरूप का वर्णन है। उसके बाद आते हैं प्रभु श्री नटराज। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, नर्तकों के राजा प्रभु श्री नटराज शिव जी को परमानंद नृत्य आनंद तांडव करते हुए चित्रित किया गया, मतलब दिखाया गया है। वह एक पैर पर अनिश्चित रूप से संतुलित हैं, फिर भी उनके होठों पर एक फीकी मुस्कान तैरती है, मानो वे कह रहे हों कि जीवन का साहस पूर्वक सामना करना चाहिए और नैतिक और आध्यात्मिक सीमाओं के भीतर आप इसका आनंद ले सकते हैं। तो जो भी नृत्य के प्रेमी हैं, जो भी संगीत के प्रेमी हैं, उन सभी लोगों के लिए इसमें प्रभु श्री आशुतोष जी के नटराज स्वरूप की आपको साधना कराई जाएगी। अप्सराओं से नृत्य कला किसी को भी सीखना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्रभु श्री नटराज भगवान से ही अनुमति लेनी होती है। जितने भी बड़े बड़े डांस मास्टर आप लोगों ने देखे होंगे, तो उन सभी के आपको ऑफिस में प्रभु श्री नटराज की मूर्ति अवश्य देखने को मिलेगी। अब आते हैं प्रभु देवराज इंद्र, जो कि इंद्रों के स्वामी भी बोले जाते हैं, ठीक है, देवों के राजा भी हैं। देवलोक इंद्र जो हैं वो इंद्रलोक के राजा हैं। बिना इनकी अनुमति के कोई भी अप्सरा सिद्धि नहीं मिलती, तो इनकी साधना विशेषकर रूप से प्रमुख और प्रभावी रहती है। जिनको साधना से प्रसन्न किया जाना चाहिए, जिससे निर्विघ्न सफलता भी प्राप्त होती है, और जितनी भी अप्सराएं इनकी साधना करने के बाद शीघ्र ही प्रत्यक्षीकरण आप इनका पा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी साधना है देवराज इंद्र की साधना। देवराज इंद्र की साधना करने के बाद जो स्वर्ग लोक के द्वार हैं आप लोगों के लिए, वो पूरी तरीके से ओपन हो जाते हैं। अब आते हैं कामदेव या रति साधना। अप्सरा और यक्षिणी को अपनी तरफ शीघ्र आकर्षित करने के लिए और उनको अपने पूर्ण रूप से वशीभूत करने के लिए है ना, इसमें से साधिकाओं को देवी रति और साधकों को कामदेव की साधना सिद्धि कराई जाएगी। मतलब जो स्त्री साधिकाएं वो रति साधना करेंगे, और जो भी हमारे पुरुष साधक हैं वो कामदेव की साधना करेंगे, जिससे कि अप्सरा यक्षिणियाँ और अन्य शक्तियाँ आपकी ओर पूर्ण तरीके से लालायित हो सकें। उसके बाद 16 अप्सरा साधना से एक का 16 अप्सराओं की सिद्धि आपको प्राप्त होगी। मतलब एक 16 अप्सरा की साधना है जिसमें 16 प्रकार की अप्सराएं होती हैं, एक साथ उसमें आपको 16 अप्सराओं की सिद्धि प्राप्त होती है। उसके बाद 6वें नंबर पर ब्रह्मांड के समस्त यक्ष और यक्षिणियों के राजा आप सभी लोग जानते हैं कुबेर भगवान, इनकी प्राचीन और गोपनीय साधना जो यक्ष तत्व के अंतर्गत आती है, यक्ष तंत्र के अंतर्गत आती है, वो आप सभी लोगों को कराई जाएगी, जिससे कि आकस्मिक धन का जो लाभ है वो आप सभी लोगों को मिल सके, आकस्मिक धन पूर्ण रूप से आपके पास आ सके। इसके बाद आते हैं अष्ट यक्षिणी की साधना।
अष्ट यक्षिणी की साधना में क्या होता है, जब आप इस साधना को संपन्न करते हैं तो आप एक यक्षिणी को सिद्धि नहीं करते हैं, आप एक साथ आठ यक्षिणियों को सिद्ध करते हैं। लोगों को एक करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस साधना से आपको अष्ट यक्षिणियाँ मिलती हैं। उसी प्रकार से अष्ट किन्नरी की साधना होती है, ठीक है, आठवें नंबर पर, उससे आपको अष्ट किन्नरी जो स्वरूप की साधनाएं होती हैं वो आप सभी को प्राप्त होती हैं। इसके पास फिर कामपति गंधर्व साधना, जो पुरुष वर्ग को मनोवांछित स्त्री और स्त्री को मनोवांछित पुरुष वर्ग की प्राप्ति के लिए होती है, जिससे कि उनके 36 से 36 गुण मिल सकें। कहने का तात्पर्य है कि जो भी प्रेमी अपनी प्रेमिका से विवाह करना चाहते हैं वो इस साधना को कर सकते हैं। जो भी प्रेमिकाएं अपने प्रेमी से साधना विवाह करना चाहती हैं, किसी प्रकार की कोई भी अड़चन या समस्या आ रही है, तो उन सभी लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी साधना। ये साधना बहुत ही प्रभावी होगी आप लोगों के लिए। ये टोटल 6 मंथ का ग्रुप रहेगा, 1 मई से आप सभी लोगों के लिए चालू होगा, ठीक है, और 1 नवंबर तक आपका ये ग्रुप चलेगा। तो इस प्रकार से जो भी साधनाएं थी उनका छोटा छोटा इंट्रोडक्शन आप लोगों को बताया गया है। बाकी ये साधनाएं अपने आप में अद्वितीय हैं, अपने आप में खुद को गौरवान्वित करने वाली है। गुप्त तंत्र मार्ग से ये साधनाएं सारी की सारी आपको प्रदान की जाएंगी। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ये साधनाएं ना भूतों ना भविष्यति वाली हैं, ना ही कोई इन साधनाओं को आजकल यूट्यूब पे कराते हैं और ना ही कराने का कोई भी प्रयास करता है इन साधनाओं को। तो आप लोग अपनी साधनाओं को प्रयास करें, एक तरीके से संपूर्ण जीवन को पूर्ण रूप से निखारने की साधना है। तो शीघ्र से शीघ्रता आप लोग करके इस साधना को संपन्न करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय गुरुदेव, जय श्री माता रानी।